हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत की जाते हैं एक और नई वीडियो में। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। आज हम फिर से एक विषय के साथ उपस्थित हुए। इस वीडियो आपके लिए देखना और जांचना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियजनों। समय कम है और दिन बुरे हैं, समय कम है और दिन भयानक आने वाले हैं मेरे प्रियजनों। इसलिए हमें हर घड़ी हर समय तैयार रहना है मेरे प्रियजनों, क्योंकि समय बहुत ही कम है मेरे प्रियजनों। इसलिए बाइबल बताती है उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। मेरे प्रियजनों, तो छोड़ा कौन जाएगा, लिया कौन जाएगा, आपको इस वीडियो में विस्तार से बता दिया जाएगा। इसलिए तैयार रहो, हर समय हर घड़ी तैयार रहो, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं। कब तक पाप करते रहोगे, कब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते रहोगे मेरे प्रियजनों? अंत है सब पापों का, अंत है, अंत है, अंत है मेरे प्रियजनों। इसलिए सावधान हो जाओ मेरे प्रियजनों और बचा लो अपने आप को यीशु मसीह के कहर से मेरे प्रियजनों, क्योंकि ये समस्या आने वाले हैं, समस्या आने वाले हैं। आज हमारे बहुत सारे मसीह सेक्स वीडियो देखते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, गंदे गंदे काम करते हैं मेरे प्रियजनों, जो बाइबल के खिलाफ है, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है मेरे प्रियजनों। हे मेरे प्रियो, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपके जीवन का सवाल है मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं, मार खाई है, बेइज्जती सहा है, दुख सहा है, दर्द सहा है, उसके दर्द को महसूस करो मेरे प्रियजनों, महसूस करो। पतरस को उल्टा लटकाया गया, यूहन्ना को तेल में तला गया, थोमा को भालों से बेदा मेरे प्रियजनों, इनके दर्द को महसूस करो, इनके दर्द को महसूस करो मेरे प्रियजनों। आज मसीह विश्वासी भाई बहन वे अपना जीवन ऐसे बिता रहे हैं, ऐसे बिता रहे हैं, वे अपना नाम मसीह तो रखते हैं परंतु संसारिक जीवन जीते हैं, पाप करते, व्यभिचार करते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सेक्स वीडियो देखते हैं। हे मेरे भाई, अगर आप ये सब काम करते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो आपका और हमारा प्रभु है, उसने हमारे लिए कोड़े खाए हैं। अरे जरा दो कोड़े खा के देखो, आंखें खुल जाएंगी, दिमाग ठंडा हो जाएगा। जरा सा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते हो तो वहाँ की आग कैसे बर्दाश्त कर पाओगे, जरा सोचा आपने? यीशु स्वर्ग जाने से पहले एक बात कह गए थे अपने चेलों से कि तुम सावधान रहना, कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा, कोई मनुष्य तुम्हें भरमानी ना पाए, तुम्हें पाप में गिराने ना पाए, तुम्हें इनसे सावधान रहना और परमेश्वर के सारे हथियार बांध रहना। मगर आज हमारे मसीह भाई बहन वे प्रार्थना कहाँ करते हैं, वे बाइबल तो पढ़ते नहीं, सुबह हो या शाम हो अपने फोन पर, अपने मोबाइल पर फोन मिलाते हैं, लड़कियों के पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पास मिलाते हैं, 12-12 बजे 1-1 बजे उठ उठ गर्लफ्रेंड के पास फोन कर रहे हैं, खाना खाया कि नहीं खाया, अरे गंदी गंदी घिनौनी बातें करते हैं। जो आप करते हो, जो जो आप पाप करते हो, आप सोचते हो मैं मनुष्य से छिप के पाप कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं देखता, चलो यहाँ पे पाप कर लेता हूँ, चलो वहाँ पे पाप कर लेता हूँ, जो झाड़ियों में कर लेता हूँ, उस रूम में कर लेता हूँ, चलो घर में कोई नहीं, वहाँ पे पाप कर लेता हूँ, गलत काम कर लेता हूँ। तो याद रखना, यदि आप सात दीवारी के बीच में, सातों दीवारियों के बीच में यदि आप ऐसा व्यभिचार या कोई काम करते हैं तो परमेश्वर वहाँ भी आपको देखता है, वहाँ भी परमेश्वर के लिए उजियाला है। जो आप अंधकार में करोगे उजियाले में देखेगा परमेश्वर। इसलिए बाइबल बताती है मनुष्य का एक बार मरना और फिर उसके कामों के अनुसार उसका न्याय करना उचित है, परमेश्वर ने न्याय ठहराया है। जरा सोचो, अगर कोई बिना उद्धार के मर गया, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपना जीवन सांसारिक बातों में गवाते हैं, सांसारिक चीज़ों में लगाते हैं, तो आप सोचते हैं मैं पाप भी करूंगा, पाप पाप करके मैं स्वर्ग भी चला जाऊंगा, तो नो, आप गलत हो, क्योंकि जहां पर यीशु मसीह रहता है वह जगह पवित्र है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे। तुमने जो पाप किए हैं, सेक्स वीडियो देखता है, गर्लफ्रेंड देखा बनाया है, तो आप ये सब काम छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मैं आपको हर वीडियो में यही बताते चला रहा हूँ, समय कम है और दिन बुरे हैं, अपने प्राणों को बचा लो। याद रखना, जो आपके शरीर में जो गर्मी भरी है उसे अनंत काल में निकल जाएगी, इसलिए जहाँ की आग नहीं बुझती या कीड़े नहीं मरते, याद रखना आग खाकर कीड़े जिंदा रहते हैं। लाल लाल कीड़े होंगे, नाक से घुसेंगे, मुँह से निकलेंगे और हंसेंगे, जहाँ पर धनवान मौजूद है, अरे धनवान तो तड़प रहा है एक बूंद प्यास के कारण, अरे आपको क्यों नहीं डर लग रहा, क्यों नहीं मेरे भाई, क्यों नहीं? जब आकाश चंद्रमा चांद सितारे थरथराते हैं परमेश्वर के सामने, तो हमारी और आपकी औकात है क्या उस परमेश्वर के सामने? अरे भाई छोड़ दो,
छोड़ दो, छोड़ दो गंदी लतें, लौट आओ, लौट आओ परमेश्वर के पास। परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा, क्षमा कर देगा। क्यों पाप करते हो, क्यों गलत संगत करते हो, क्यों व्यभिचार करते हो, क्यों सेक्स विरुद्ध क्यों गलत काम करते हो, छोड़ दो, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। खुद आपको माफ कर देगा, माफ कर देगा। याद रखना, आप भी करते हो और जीवन परमेश्वर से बोलते पर मेरी ये नहीं सुनता, दुआ नहीं सुनता, कैसे सुनेगा? तुम्हारे सामने भारी सा पत्थर रखा हुआ है, पाप व्यभिचार रखा हुआ है, तो परमेश्वर कैसे आपके सुनेगा? याद रखना, जिस प्रकार से आप अपने मोबाइल में छिपकर गुप्त रीति से दूसरों का नंगापन देखते हो, उसी प्रकार से परमेश्वर भी आपको मसीह विरोधि के दिन में नंगा करेगा और मरने के बाद आग में नंगा ही डालेगा। तब आपके शरीर में जो गर्मी भरी है ना, उसी अनंत काल की आग में निकल जाएगी। भाई अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है पाप करने में, व्यभिचार करने में। याद रखना, परमेश्वर आपका न्याय करेगा, न्याय करेगा। जो जो आप पाप करोगे, सब पापों की लिस्ट परमेश्वर बना रहा है। जब आपका न्याय करेगा परमेश्वर स्वयं सिंहासन के सामने, तो वही लिस्ट परमेश्वर का खोल कर दिखाएगा। तो आप पर कोई क्षमा नहीं, सिर्फ न्याय करेगा। इसलिए मन फिरा लो, पापों से तोबा कर लो, समय अभी वक्त है आपके पास। बचा लो अपने आप को नरक जाने से, परमेश्वर आपको बचा लेगा। हमने पापों से मन फिराए, तोबा करें, परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करें अपने मसीह बंधु के पास। शुरू से लास्ट तक वीडियो को आपने देखा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं सबको। जय मसीह की। बाय बाय, गुड नाइट। जय मसीह की।